गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आवर न्यू लेसन मेक इट shorter, ओके okay. ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें बीरबल और आ, अकबर और बीरबल की कहानी बताया गया है सी पेज नंबर 111 हमने बहुत सारे अकबर और बीरबल की कहानी सुनी है ना उसमें से एक ऐसी एक छोटी और कहानी है ठीक है देखो इस पिक्चर में क्या अकबर बैठा है देखो यहाँ पे अकबर बैठा है और उसके वो जो उसकी जो कोर्ट यार्ड है मीन्स उसकी जो कोर्ट मतलब जहाँ दरबार बैठता है ना वहाँ पे ये देखो वहाँ पे पीछे सैनिक है ये उसके मंत्री अक, ये बीरबल सब लोग यहाँ पे खड़े हैं ठीक है वो उसके सभा में जैसे रहते हैं ना बहुत सारे लोग वैसे ठीक है अब देखो वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट देखो एक दिन क्या हुआ अकबर ने एक लाइन खींची फ्लोर पे मतलब जमीन पे और ऑर्डर किया मेक दिस लाइन शॉर्टर और उन्होंने क्या बोला कि इस लाइन को छोटी करो लेकिन इस लाइन को आपको ना छूना है ना इरेज करना है ना मतलब मि, मतलब मिटाना नहीं है रब नहीं करना है ना कहीं से भी इसे रब नहीं करना है नो वन न्यू वॉट टू डू मिनिस्टर लुकड एट द लाइन एंड पजल्ड जो नो वन न्यू वॉट टू डू मतलब बाकी जो जितने भी उनके आ, दर, जो दरबार जब होती है ना तो वहां पे जितने लोग बैठे थे तो वो सारे सोचने लगे कि क्या अब क्या किया जाए ईच मिनिस्टर looked at द लाइन एंड वॉज puzzled. मतलब वो सब लोग वो लाइन देखते रह गए और सोचते रह गए कि कैसे करना है कैसे करना है नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर उनको कहीं से भी ये लाइन uh, मतलब पता नहीं चल रही थी कि इस लाइन को कैसे हम बड़ा करें नो वन could थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड shorter विदाउट erasing इट इस लाइन uh, को हम कैसे शॉर्टर करें बिना बिना इरेज किए वो समझ में नहीं आ रहा था नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेज इट अगर वो लॉन्ग मतलब वो जो लाइन है कैसे uh, कैसे उसे बढ़ाना है वो भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कैसे उसे छोटा करना है वो भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था बिना मिटाए छोटा कैसे करें बिरबल स्टार्ट स्माइलिंग जो बिरबल था उसने स्माइल किया वेन इट वॉज his टर्न ही वेंट never नियर द लाइन जब उसकी टर्न आई बीरबल सब की सबकी टर्न आ रही थी तो उसकी भी टर्न आई तो वो जहां अकबर ने ऐसी लाइन खींची है ना उसके पास गया डिस्कस विथ योर पार्टनर वॉट बीरबल वुड टू डू अब आप डिस्कस करो कि बीरबल वहां जाके किया क्या, क्या किया होगा बीरबल ने देखो बिरबल ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन ही डिड नॉट टच फर्स्ट लाइन जो बिरबल था फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ ये देखो यहाँ पे राजा ने ऐसे लाइन खींची है अकबर ने ऐसे लाइन खींची ना अब उसने बोला कि इसे इससे लंबी लाइन खींचनी है आपको मतलब मेक दिस लाइन शॉर्टअप इस लाइन को आपको क्या करना सॉरी छोटा करना है तो बट डोंट ड्रॉ इसे इस लाइन को आपको मेक दिस लाइन शॉर्ट अप बट डोंट रब आपको रब भी नहीं करना कुछ भी नहीं करना है तो बिरबल ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन ही डिड नॉट टच द फर्स्ट लाइन और जो बिरबल ने क्या किया इस लाइन से लंबी लाइन खींच दी उसने मतलब इस लाइन को ये अकबर की लाइन है ये बिरबल की लाइन है ये बीरबल ने इसे क्या किया न टच किया ना रब किया कुछ नहीं किया उसके जो अकबर ने यहाँ पर ऐसी लाइन खींची थी उसके नीचे से उसने एक बड़ी लाइन खींच दी बिरबल ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन ही डिड नॉट टच द फर्स्ट लाइन उसने फर्स्ट लाइन को टच भी नहीं किया एवरी वन इन द कोर्ट सॉ वॉट ही ड्रू एंड लाइन इज शॉर्टर नाउ अब क्या हुआ अब जो बाकी लोग थे कोर्ट में दरबार में सबने देखा कि आखिर ये कर क्या रहा है फिर सबने बोला हाँ ये सही है कि फर्स्ट लाइन को उसने ना छुआ ना, ना कुछ ना मतलब न रब किया ना इरेज किया कुछ नहीं किया और वो जो राजा की लाइन है जो अकबर की लाइन है वो छोटी हो गई है ना यही है छोटी सी स्टोरी इसमें इसमें न्यू वर्ड्स है ऑर्डर मीन्स ऑर्डर करना कोई चीज़ को हम आ, बोलते हैं ना ऑर्डर करते हैं कि ये हम ये काम करो ऐसा करके रब मतलब इरेस मिटाना पज़ल पजल जो चीज़ें हम पजल जैसे ढूंढते हैं ना वैसे पजल मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन जैसी चीज़ें होती है जैसे हमें उसमें आंसर निकालना होता है इरेज मतलब मिटाना कोर्ट मतलब दरबार ओके okay? ये थी इसका जो रिमेनिंग पी है वो आपको मैं सेंड करती हूँ ओके आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर होगी ओके थैंक यू